नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं भारत के चार धाम में से एक बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। बद्रीनाथ मंदिर भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। चार धाम तीर्थ स्थल भारत के चारों दिशाओं में स्थित है, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर एकमात्र मंदिर है जो हिमालय में स्थित है और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ का तापमान बहुत ही ठंडा रहता है। मंदिर की नजदीक अलकनंदा नदी बह रही है। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख हिंदू पवित्र ग्रंथों जैसे भागवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास क्षेत्र का उल्लेख पद्म पुराण में आध्यात्मिक स्थल के रूप में किया गया है। यहाँ पे लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। यात्रियों को रुकने और खाने के लिए होटल और आश्रम की सुविधाएं हैं। तीन चार धाम तीर्थ स्थलों के विपरीत यहाँ का मौसम बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान 6 महीने के लिए मंदिर बंद रहता है। मंदिर के दर्शन करने का समय सुबह 4:30 बजे कपाट खुल जाते हैं। यहाँ सुबह विशेष आरती होती है और मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 7-8 के बीच दर्शन के लिए खुलता है। यहाँ दोपहर 1 तक बद्रीनाथ के दर्शन हो सकते हैं। इसके बाद शाम 4 तक मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और फिर 4 से दर्शन के लिए यहाँ लाइन लगना शुरू हो जाती है। बद्रीनाथ के मंदिर में आखिरी दर्शन रात 9 तक होते हैं।